भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना पर बहुत दिनों से कार्य चल रहा था, जिसकी पहली प्रणति मेरे यहाँ से शुरू हुई है। इस योजना का, भारत सरकार का जो उद्देश्य है वो ये है कि जन जन तक शुद्ध और पूरी मात्रा में डीजल, पेट्रोलियम पदार्थ जो किसानों के काम में आता है वो कैसे पहुँचे। इसे अगर एक शब्द में कहा जाए, एक लाइन में कहा जाए, तो सिर्फ इतना है कि चलता फिरता पेट्रोल पंप वह व्हील के ऊपर है, जिसको आप मोबाइल पेट्रोल पंप कह सकते हैं। अगर इसको सरल भाषा में कहना मुझे होगा तो मैं कहूँगा मोबाइल पेट्रोल पंप है, और ये ऐसा पंप है जो फुल्ली ऑटोमेटेड है। इसमें हर बूंद का हिसाब है, ये बूंद कहाँ से आई और कहाँ कहाँ डिस्पेंस हुई, कितनी कितनी मात्रा में डिस्पेंस हुई और कितनी कितनी किस किस जगह पर डिस्पेंस हुई। इसमें जियो टैगिंग है, जिस जगह पर हम देंगे उस जगह का विवरण आएगा, जिस जितनी मात्रा में देंगे वो सारा विवरण रहेगा, और ये हमेशा के लिए रहेगा। और इसे कहीं भी बैठ करके भारत सरकार, पेट्रोलियम मंत्रालय, इंडियन ऑयल या कोई कस्टमर चाहे तो उसकी जांच कर सकता है, देख सकता है कि ये मोबाइल पेट्रोल पंप कहाँ पर इस समय है और क्या कर रहा है। ये आज जो जौनपुर में शुरुआत हुई है जी, ये जो शुरुआत है ये देश के लिए पहला है या प्रदेश के लिए पहला है? देश के लिए पहला इस रूप में है कि आज जो लॉन्चिंग हुई है उस लॉन्चिंग में रिपोस कंपनी, इंडस टावर जो कि दुनिया की नंबर वन कंपनी है टावर बिजनेस में, और इंडियन ऑयल, इन तीनों ने मिल करके जो एक एकीकृत कमान बनाई है जन जन तक डीजल पहुंचाने की, उसकी आज पहली शुरुआत। प्रदेश में पहली बार जौनपुर जिले से इंडियन ऑयल की फ्यूल डोर स्टेप योजना की शुरुआत की गई है। इंडियन ऑयल के सीईओ ने इस योजना को हरी झंडी दिखाकर शुरुआत की। इस योजना से लाभ किसानों और उन महिलाओं को मिलेगा जो दूर दराज के लिए पेट्रोल और डीजल के लिए भटकना पड़ता था। अभी ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में डीजल की डिलीवरी की जाएगी, आगे इसमें पेट्रोल की डिलीवरी शुरू होगी। धर्मेंद्र सिंह, ईटीवी भारत, जौनपुर।